नमस्कार दोस्तों, मैं विकी गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गुप्ता जीएस टीचिंग सेंटर में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो 23/4/2008 में पूछे गए थे वो सवाल मैं आज लेकर आया हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि 23/4/2008 में जो सवाल पूछा गया था बिहार दरोगा का, वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। ठीक है, एक एक सवाल को डिस्कशन करेंगे जबरदस्त तरीके से, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल से। तो सबसे पहला सवाल है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। सेकंड नंबर सवाल देखिए, सेकंड नंबर सवाल है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है ये अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो उपराष्ट्रपति को। ध्यान रखिएगा कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो उपराष्ट्रपति को क्या करते हैं, त्यागपत्र सौंपते हैं। और प्रधानमंत्री क्या करता है, तो प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री क्या करता है, राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। थ्री नंबर सवाल देखिए क्या है कि थ्री नंबर सवाल है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो आपको पता होगा कि 2008 में जो ये सवाल पूछा गया है, यानी कि जो पेपर हुआ था 2008 में हुआ था। ठीक है, तो ये 2008 से रिलेटेड है कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा देवी पाटिल। तो उस समय प्रतिभा देवी सी पाटिल थी भारत के राष्ट्रपति, यानी कि प्रतिभा देवी पाटिल जो है ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है। ये 2008 में जो पूछा गया है उस समय की बात है। ठीक है, तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी सी पाटिल। ठीक है, ये 2008 की बात है, ये भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कौन है भारत के, यानी कि 2021 जो चल रहा है इसमें कौन है, तो राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। ठीक है, जो 14वें राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति है, 14वें राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फोर नंबर सवाल देखिए, फोर नंबर सवाल है कि भारत के 23वें सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो भारत के 23वें सेना प्रमुख बने हैं दीपक कपूर। कौन बने हैं, दीपक कपूर जो है ये भारत के 23वें सेना प्रमुख बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। फाइव नंबर सवाल, तो फाइव नंबर सवाल है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो आपको पता होगा कि ये 2008 जो सवाल पूछा गया है, 2008 का पेपर है, तो इस समय कौन है, इस क्या ऑप्शन हो जाएगा इसके अनुसार, तो सी यानी कि बालकृष्ण। यानी कि 2008 में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो बालकृष्ण थे। अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो NV रमना। कौन है, NV रमना, RAMANA। ठीक है, NV रमना जो है ये वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिक्स नंबर सवाल देखिए, सिक्स नंबर सवाल है कि राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य जो मंत्री परिषद है ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति, तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेवन नंबर सवाल, सेवन नंबर सवाल है कि बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए सरकार ने किस कंपनी के साथ अनुबंध किया है। तो बिहार में पुल सड़क निर्माण के लिए बिहार सरकार ने तांतिया कंस्ट्रक्शन, ठीक है, तांतिया कंस्ट्रक्शन के साथ इन्होंने क्या किया है, तो अनुबंध किया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तांतिया कंस्ट्रक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट नंबर सवाल देखिए, एट नंबर सवाल है कि जूट के उत्पादन में बिहार का कौन सा जिला अग्रणी है। तो जूट के उत्पादन में बिहार का जो है ये कटिहार जिला अग्रणी है। ठीक है, यानी कि जूट के उत्पादन में बिहार का कटिहार जिला क्या है, तो सबसे आगे है जूट के उत्पादन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला, नाइन नंबर सवाल। ठीक है दोस्तों, तो देखिए नाइन नंबर आपका जो सवाल है कि 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था। तो 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने, ठीक है, आरा से नेतृत्व किया था। कहाँ से किया था, आरा से। ऑप्शन देख लेते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है, आरा होना चाहिए। तो 1857 के विद्रोह में, ठीक है, बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था, वो हम देखेंगे ऑप्शन के अनुसार। तो देखिए ऑप्शन क्या रहेगा मेरे लिए, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है, ऑप्शन बक्सर है, पटना है, आरा है, मुंगेर है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह ने आरा से नेतृत्व किया था। ठीक है, नेक्स्ट है 10 नंबर कि नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर कौन बनाए गए हैं। तो नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय के विजिटर बनाए गए हैं डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को। किसको बनाए गए हैं, डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 11 नंबर सवाल देखिए। तो 11 नंबर सवाल है, बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? तो बिहार में लगभग 60% पर, ठीक है, बिहार में 60% पर लगभग कृषि कार्य होता है। कितने परसेंट पर? 60% पर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल है कि भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति हटा सकते हैं। कौन हटा सकते हैं? राष्ट्रपति, यानी कि भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति हटा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है कि बिहार में कितना साक्षरता दर, यानी कि 2001 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, यानी कि बिहार में कितना साक्षरता दर है ये 2001 की जनगणना के अनुसार बता रहा है। तो ये है 47.53, यानी कि 47.53 जो है ये बिहार में साक्षरता दर है 2001 की जनगणना के अनुसार है। कितना है? 47.53%। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर सवाल। 14 नंबर सवाल है कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? तो ध्यानचंद जो है ये हॉकी से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं ध्यानचंद, ठीक है। अभी आपको पता होगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है, तो ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, क्या कर दिया गया है? ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। और ये ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी खेल से संबंधित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल है कि शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह के बचपन का नाम था फरीद। क्या था? फरीद जो है शेरशाह के बचपन का नाम था। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 को। कब हुई थी? 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसने किया था? तो ए ओ होम ने, ठीक है, ए ओ होम ने 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किए थे, ठीक है। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी कौन थी? तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल है कि व्यपगत का सिद्धांत से कौन संबंधित रहा है? तो व्यपगत के सिद्धांत से ये लॉर्ड डलहौजी संबंधित रहा है। कौन संबंधित रहा है? लॉर्ड डलहौजी जो है व्यपगत के सिद्धांत से संबंधित रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर सवाल देखिए। 18 नंबर सवाल है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के प्रथम वायसराय थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल, ठीक है दोस्तों। अगला है 19 नंबर सवाल देखिए, ठीक है। तो 19 नंबर सवाल है कि टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है, ठीक है। तो ये जो टाई ब्रेकर शब्द है ये फुटबॉल और हॉकी दोनों से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों, ठीक है। टाई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी और फुटबॉल, यानी कि बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला देखेंगे 20 नंबर सवाल, ठीक है। तो देखिए 20 नंबर सवाल है, 20 नंबर सवाल बोल रहा है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था कुमार गुप्त। कौन था? कुमार गुप्त जो है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ठीक है। अच्छा, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कुमार गुप्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें 21 नंबर सवाल। 21 नंबर सवाल है कि मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो मीर कासिम की। मुंगेर जो है ये मीर कासिम की राजधानी थी मुंगेर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल है कि गुरु गोविंद सिंह की माता का क्या नाम था? तो गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था बीबी जैला। क्या नाम था? बीबी जैला जो है गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम था। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 1666 को, ठीक है। 1666 को गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था और इनके माता का नाम था बीबी जैला, ठीक है। क्या नाम था? बीबी जैला। और गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वें गुरु थे और सबसे अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ही थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 23 नंबर सवाल, ठीक है। तो 23 नंबर सवाल देखना है, 23 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 23 नंबर सवाल है कि फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म कहाँ हुआ था? तो फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये पूर्णिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्णिया में फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 24 नंबर सवाल देखिए। 24 नंबर सवाल है कि कामा यानी पुस्तक के रचयिता कौन थे। तो कामा यानी पुस्तक के रचयिता थे जयशंकर प्रसाद। कौन थे? जयशंकर प्रसाद जो है कामा यानी पुस्तक के रचयिता थे। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर सवाल। 25 नंबर सवाल है कि अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखा। तो कौटिल्य ने लिखा था। किसने लिखा था? कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखे थे। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 26 नंबर सवाल देखिए। ठीक है, 26 नंबर सवाल है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था किसने? तो भगत सिंह ने। ठीक है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। और महात्मा गांधी ने क्या कहा था? करो या मरो। ठीक है, और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका कथन है? तो ये सुभाष चंद्र बोस जी का कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका हुआ 1897 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? तो उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक है, और महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 1869 ईस्वी को। कब हुआ था? 1869 को। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला है कितना नंबर सवाल है? यह है 27 नंबर सवाल कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और औरंगजेब के बीच। ठीक है, मीर कासिम और औरंगजेब के बीच हुआ था बक्सर का युद्ध। कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी को। ठीक है, 1764 ईस्वी को मीर कासिम और औरंगजेब के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। अच्छा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी को। ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध, 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल जो वो है मेरा 28 नंबर सवाल। ठीक है, तो 28 नंबर सवाल देखिए क्या बोल रहा है। 28 नंबर सवाल है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल हैं? बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं। अगर आपसे जिला पूछ दे कि बिहार में कितना जिला है, तो बिहार में 38 जिला है। ठीक है, बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं। तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला सवाल है 29 नंबर सवाल कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है। तो वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है 8,28,68,796। ठीक है, 8,28,68,796 जो है ये बिहार की कुल जनसंख्या है। ये कब की है? तो 2001 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है कि सितारा देवी किस विधा से संबंधित है। ठीक है, तो सितारा देवी जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? कथक नृत्य से संबंधित है सितारा देवी। ठीक है ना, नेक्स्ट देखेंगे 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल है कि पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो 1916 ईस्वी को। ठीक है, 1916 ईस्वी को पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर सवाल कि 32 नंबर सवाल है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, नेक्स्ट है अगला 33 नंबर सवाल। 33 नंबर सवाल है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ है? तो लुम्बिनी है नेपाल में। ठीक है, लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है? तो नेपाल में है। और भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 पूर्व ईसा में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जन्म कब हुआ था 563 ईसा पूर्व और मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व, यानी कि 80 वर्ष की अवस्था में इनका मृत्यु हो गया था। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी यानी नेपाल में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला सवाल जो है 34 नंबर सवाल है। 34 नंबर सवाल है कि झारखंड देश कौन सा राज्य है। तो झारखंड देश जो बना था ये 28वां राज्य बना था। कौन बना था? 28वां राज्य बना था झारखंड देश। ठीक है, कब बना था? तो 2000 ईस्वी को। ठीक है, 2000 ईस्वी को झारखंड एक नया राज्य बना था, वो 28वां राज्य बना था। ठीक है, 29वां राज्य कौन बना था? तो 29वां राज्य बना था तेलंगाना। तेलंगाना का स्थापना कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को। कब हुआ था? 2 जून 2014 को किसका स्थापना हुआ था? तो तेलंगाना का। और तेलंगाना जो है ये 29वां राज्य है, झारखंड 28वां राज्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 35 नंबर सवाल।
35 नंबर सवाल है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है 40। ये आपको ध्यान में रखना है कि बिहार में लोकसभा सीट कितनी है, 40 है। 42 कहाँ है, तो 42 है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीट है। अगर आपसे महाराष्ट्र में पूछे तो महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीट है, ठीक है। ओडिशा में 21 लोकसभा सीट है, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है, ठीक है, और कर्नाटक में 28 लोकसभा सीट है, और मध्य प्रदेश में तो 29 लोकसभा सीट है, ठीक है, और कहिएगा उत्तर प्रदेश में तो 80 लोकसभा सीट है, यानी कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट है उत्तर प्रदेश में। कितना है, तो 80 लोकसभा सीट है, ठीक है। देखिए लोकसभा सीटों से सवाल पूछता है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है लोकसभा सीट के बारे में, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला है 36 नंबर सवाल। 36 नंबर सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला है कितना, 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है कि बिंबिसार किस वंश का राजा था। तो बिंबिसार जो है ये हरियक वंश का राजा था। किस वंश का राजा था, बिंबिसार, हरियक वंश का राजा था बिंबिसार, ठीक है। नेक्स्ट है 38 नंबर सवाल। 38 नंबर सवाल है कि भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था। तो भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण में शुरू किया था। कब किए थे, तो 1917 ईस्वी को, ठीक है, 1917 ईस्वी को गांधी जी ने चंपारण में प्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट है 39 नंबर सवाल। 39 नंबर सवाल देखिए क्या है, 39 नंबर सवाल है कि भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर कहाँ अपनी नई शाखा खोली है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर अपनी नई शाखा खोली है, जहाँ खोली है, इजराइल में। कहाँ खोली है, इजराइल, और इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूसलम इजराइल की राजधानी है, ठीक है। अगर आपसे वियतनाम की राजधानी पूछते तो हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी क्या है, तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेगेन, ठीक है, और स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है, तो स्कॉटहोम स्विट्जरलैंड की राजधानी है, ठीक है। तो भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में भारत के बाहर अपना कहाँ अपनी नई शाखा खोली है, तो इजराइल में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है 40 नंबर सवाल। 40 नंबर सवाल है कि सार्क, ठीक है, का सबसे नया सदस्य देश कौन है। तो सार्क के बारे में पहले जानिए कि सार्क एक संस्था है जिसका स्थापना हुआ था 1985 को, यानी 1985 में स्थापना हुआ था, और सार्क का मुख्यालय स्थित है नेपाल की राजधानी काठमांडू में, ठीक है। कहाँ स्थित है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में क्या स्थित है, तो सार्क का मुख्यालय स्थित है। सार्क में टोटल 8 देश आते हैं, ठीक है, 8 देश कौन कौन आते हैं, तो देख लीजिए, भारत, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका और कितना हो गया, 5 हो गया, फिर नेपाल हो गया 6, ठीक है, और दो कौन कौन हो जाएंगे, तो यानी कि मणिपुर तो एक राज्य है, यानी कि भारत सार्क के टोटल कितने सदस्य देश हैं, 8 देश हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे कि सबसे नया सदस्य देश कौन है, तो अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान जो है सबसे नया है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि पाकिस्तान की राजधानी क्या है, तो इस्लामाबाद, अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल, भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू, ठीक है। तो सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1985 को, मुख्यालय कहाँ स्थित है, काठमांडू में, नेपाल की राजधानी काठमांडू में मुख्यालय स्थित है, ठीक है, किसका, तो सार्क का। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल देखते हैं, ठीक है, अगला है 41 नंबर सवाल। तो देखिए 41 नंबर सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में। सबसे पहले ये जाने कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है 42 नंबर कि शिवाजी को किसने कैद कर लिया था। तो शिवाजी को कैद किया था औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 1707 ईस्वी को, आपको पता होगा औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी को, और औरंगजेब को ही जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो महात्मा गांधी जो है ये 1924 में बने थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, और कौन सा अधिवेशन था, बेलगांव अधिवेशन, जो कहाँ पड़ता है, कर्नाटक में, ठीक है। तो महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, 1924 में, ठीक है, और बेलगांव अधिवेशन में कहाँ है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। अच्छा ये बताइए कि 1916 में क्या हुआ था, 1916 में हुआ था पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। 1919 में क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है,
ठीक है। तो 1919 को ही रॉलेट एक्ट आया था, तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून, और 1916 को पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था। 1924 में क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 44 नंबर सवाल कि बंगाल का विभाजन हुआ था, तो 1905 ईस्वी को, ठीक है, 1905 ईस्वी को बंगाल का विभाजन हुआ था, यह भी आपको ध्यान में रखना है। क्या हुआ था बंगाल का विभाजन, 1905 को हुआ था, ठीक है। और 1911 को क्या हुआ था, तो दिल्ली दरबार लगा था, यानी कहा गया था कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता से क्या स्थानांतरित होगा, तो वो दिल्ली स्थानांतरित होगा, और 1912 में भारत की राजधानी दिल्ली बन गया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला है 45 नंबर सवाल कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक को बुलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 46 नंबर, ठीक है। तो 46 नंबर सवाल है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो एक व्यक्ति जो है ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, ठीक है, 21 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 47 नंबर सवाल कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है पटियाला में, कहाँ स्थित है पटियाला में, क्या स्थित है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्थान, ठीक है। अच्छा लखनऊ जो है किस नदी किनारे स्थित है, तो लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ किसकी राजधानी है, तो लखनऊ यूपी की राजधानी है, ठीक है, और लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 48 नंबर सवाल, तो देखिए दोस्तों 48 नंबर सवाल है कि जसपाल राणा का नाम निम्नलिखित खेलों में किस खेल से संबंधित है, तो जसपाल राणा जो है ये किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है निशानेबाजी से, ठीक है, जसपाल राणा निशानेबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर सवाल, ठीक है, 49 नंबर सवाल है कि राजा भोज निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे, तो ये परमार वंश से संबंधित है राजा भोज, ठीक है, राजा भोज जो है ये परमार वंश से संबंधित राजवंश से थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 50 नंबर सवाल, 50 नंबर सवाल है कि दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था औरंगजेब ने, ठीक है, औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को बनवाया था, किसने बनवाया था, औरंगजेब ने, ठीक है। चलिए अच्छा शाहजहां के बारे में बताइए, तो शाहजहां की ताजमहल किसने निर्माण करवाया था, शाहजहां ने, ठीक है। और शेरशाह सूरी का बचपन का क्या नाम था, तो शेरशाह सूरी के बचपन का क्या नाम था, तो फरीद था, ठीक है। नेक्स्ट 51 नंबर सवाल कि वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, तो ये 10 मई को भड़की थी, ठीक है, यानी कि वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी, तो ये 10 मई को भड़की थी। नेक्स्ट है 52 नंबर सवाल जो था वो है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन किया था, तो महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी और 1948 को किया था, कब किया था, 30 जनवरी 1948 को। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक है, तो देखिए देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है 30 जनवरी 1948, ठीक है, यानी कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारा था, और 30 जनवरी को ही शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 53 नंबर सवाल, 53 नंबर सवाल है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है, तो हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में, तो ये नेपाल देश में, यानी कि भारत के नेपाल के पड़ोसी देश में क्या स्थापित करके, यानी कि राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई है, ठीक है। नेपाल राजधानी क्या है, काठमांडू, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, और काठमांडू में ही सार्क का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, और सार्क का स्थापना कब हुआ था, 1985 को, और इसके कितने सदस्य देश है, तो ये 8 सदस्य देश है, ठीक है। श्रीलंका की राजधानी क्या है, तो श्रीलंका राजधानी है श्री जयवर्धने पुरे कोटे और कोलंबो, ठीक है। भारत और श्रीलंका को कौन अलग करता है, तो भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरूमध या मन्नार की खाड़ी, ठीक है। पाकिस्तान की राजधानी क्या है, इस्लामाबाद। म्यांमार की राजधानी क्या है, नेपिताओ,
ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 54 नंबर सवाल है कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है। तो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा है 30 वर्ष। कितना है? 30 वर्ष है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला, 55 नंबर सवाल। 55 नंबर सवाल है कि वर्ष 2010 में आयोजित होने वाले कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी कौन किया था। तो वो किया था भारत, ठीक है। जो 2010 में कॉमनवेल्थ गेम खेलों की मेजबानी किया था, भारत ने किया था। किसने किया था? भारत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 56 नंबर सवाल कि वर्ष 2008 में हो रहे ओलंपिक खेलों का मेजबानी स्थल कौन किया था। तो ये किए थे चीन ने, यानी कि 2008 में चीन ने किया था और 2010 में भारत ने किया था, ठीक है। सॉरी, भारत ने क्या किया था? कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन किया था भारत ने, ठीक है, 2010 में। और चीन में क्या किया गया है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, ठीक है। ओलंपिक खेलों का आयोजन 2008 में किसने किया था? तो चीन ने किया था, ठीक है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है अभी वर्तमान में? शी जिनपिंग। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्सी नदी, जिसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। कितना है? 6300 किलोमीटर, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 57 नंबर सवाल, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? यानी कि श्वेत क्रांति का संबंध है दूध से, ठीक है। नेक्स्ट है 58 नंबर सवाल, 58 नंबर सवाल है कि सतलज, चिनाब और राबी निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं। तो सतलज, चिनाब और राबी जो है ये निम्न में से सिंधु नदी की सहायक नदी है, ठीक। किसकी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी। सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर। कितना है? सॉरी, 2880 किलोमीटर। कितना है? 2880 किलोमीटर है सिंधु नदी की लंबाई। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है 2900 किलोमीटर, ठीक है। गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है, 2900 किलोमीटर ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है और 2880 किलोमीटर सिंधु नदी की लंबाई है। तो सतलज, चिनाब, राबी जो है ये सहायक नदी है किसका? तो सिंधु नदी का। अगर हम बात करते थोड़ा सा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है। ये सबसे पहले भारत किस राज्य में प्रवेश करता है? तो भारत के अरुणाचल राज्य में, अरुणाचल में प्रवेश करता है। और ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद फिर ब्रह्मपुत्र नदी असम में आता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गंगा नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करता है तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का जब मिलन स्थल होता है तो मेघना कहलाता है। क्या कहलाता है? मेघना। ये आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 59 नंबर सवाल, 59 नंबर सवाल है कि WWE के भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम क्या है। तो WWE के भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम है दिलीप सिंह राणा। क्या नाम है? दिलीप सिंह राणा जो है WWE के भागीदारी द ग्रेट खली का असली नाम है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 60 नंबर सवाल, 60 नंबर सवाल है कि पंडित रविशंकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से रहा है। तो पंडित रविशंकर का संबंध जो है ये सितारवाद से रहा है, ठीक है। किस वाद से? सितारवाद से। नेक्स्ट है 61 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किससे लोकनायक कहा गया है। तो जयप्रकाश नारायण को, ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है, ठीक है। क्या कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 62 नंबर सवाल, 62 नंबर सवाल है कि बुलंद दरवाज़ा निम्नलिखित में से कहाँ है। तो ये फतेहपुर सीकरी में है, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा जो है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है, बुलंद दरवाज़ा। अच्छा, जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगरा कहाँ स्थित है? तो यूपी में। दिल्ली, ये आपको पता ही होगा दिल्ली के बारे में कि दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश है। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री कौन है? तो अरविंद केजरीवाल। और मनीष सिसोदिया जो है यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। और अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल है, ठीक है। दिल्ली में 7 लोकसभा सीट है। कितनी लोकसभा सीट है? 7, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, 63 नंबर सवाल है कि एक लंबे समय अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो एक लंबे अंतराल के बाद भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सी रेलगाड़ी चलाई गई थी, हम ऑप्शन देके बताते हैं, ठीक है। यहाँ से होना चाहिए मैत्री एक्सप्रेस। कौन सा एक्सप्रेस? मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। देखिए दोस्तों कौन सा है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सी गाड़ी चलती है? मैत्री एक्सप्रेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल,
64 नंबर सवाल है कि भारत के राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को पद से संसद हटा सकता है। कौन हटा सकता है? संसद। ठीक है, संसद जो है भारत के राष्ट्रपति के पद से हटा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 65 नंबर सवाल कि भारत का व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए। ठीक है, तो भारत का व्यापारिक संबंध जो है ये सबसे पहले पुर्तगाल से स्थापित हुआ था। किसके साथ हुआ था? पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल भारत कब आया था? तो 1510 ईस्वी को। ठीक है, और पुर्तगाल ने गोवा पर कब्जा कर लिया था, यानी कि पुर्तगाल गोवा को केंद्र अपना केंद्र बना लिया था। ठीक है, तो कब आया था? 1510 ईस्वी को पुर्तगाल भारत आया था पुर्तगाली। और आपको पता ही होगा कि वास्को डी गामा ने खोज किया था। ठीक है, 1498 ईस्वी को भारत का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो लिस्बन जो है पुर्तगाल की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी? सीन नदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 66 नंबर सवाल है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है। तो वेलिंगटन कप का संबंध जो है ये हॉकी खेल से है। किस खेल से है? हॉकी खेल से। ठीक है, वेलिंगटन कप का संबंध हॉकी खेल से है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला 67 नंबर सवाल कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, आपको पता होगा कि पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अच्छा लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है मंगल को। ठीक है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है और शुक्र को गर्म ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 68 नंबर सवाल कि जातक पवित्र ग्रंथ है। तो जातक जो पवित्र ग्रंथ है ये किसका है? तो ये बौद्धों का। ठीक है, जातक जो है ये पवित्र ग्रंथ है, ये बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। नेक्स्ट देखेंगे 69 नंबर सवाल कि स्वेज नौ परिवहन लहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो ये लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, ये जो स्वेज नहर है ये नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके साथ जोड़ता है? तो लाल सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला 70 नंबर सवाल है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए हैं तो कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में। ठीक है, यानी भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में भगवान बुद्ध को मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 71 नंबर सवाल है कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष प्रावधान से है। तो अनुच्छेद 370 का संबंध जो है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आपको पता होगा कि अभी वर्तमान में 370 धारा हट चुकी है जम्मू कश्मीर से। ठीक है, पहले किससे था? तो जम्मू कश्मीर से ही था संबंधित 370 धारा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 72 नंबर सवाल है कि रज्मनामा फारसी में अनुवाद था तो महाभारत का। ठीक है, रज्मनामा जो है ये फारसी में किसका अनुवाद था? महाभारत का। ठीक है, महाभारत रचयिता कौन थे? तो वेद व्यास महाभारत रचयिता थे। और रामायण रचयिता कौन थे? तो वाल्मीकि रामायण के रचयिता थे। ठीक है, रामायण रचयिता कौन थे? वाल्मीकि। नेक्स्ट है 73 नंबर सवाल है। ठीक है, 73 नंबर सवाल जो है वह मुगल सम्राट किसका दो बार अभिषेक हुआ वो कौन था? वह मुगल सम्राट कौन है जिसका दो बार अभिषेक हुआ था? तो वह औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब का दो बार अभिषेक किया गया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी को। आपको ध्यान में रखना है कि 1707 ईस्वी को औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। और औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। ठीक है, सबसे अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर सबसे अंतिम शासक था मुगल वंश का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगला 74 नंबर सवाल है कि अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान जो है ये 1632 ईस्वी को किया गया था। कब किया गया था? 1632 ईस्वी को अंग्रेजों को सुनहरा फरमान प्रदान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है अगला देखते हैं 75 नंबर सवाल है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 ईस्वी को। ठीक है, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? 1510 ईस्वी को। आपको पता होगा कि भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। ठीक है, 1498 ईस्वी को। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगला 70
76 नंबर सवाल है कि रेशम किससे उत्पादन होता है, यानी कि रेशम किससे उत्पन्न होता है, तो ये रेशम के कीड़े के लार्वा से, ठीक है, रेशम के कीड़े के लार्वा से रेशम का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 77 नंबर सवाल है, 77 नंबर सवाल देखिए है कि मोबाइल सेलफोन के काम करने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है, तो ये है काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड, ये सभी उपरोक्त होगा, यानी कि सभी सही होगा, ठीक है। क्या होगा, यानी कि मोबाइल फोन सेलफोन के काम करने के लिए काम करने में अनुकूल हैंडसेट, सेवा प्रदाता नेटवर्क और सिम कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी सही इसका होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 78 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनल कंप्यूटर के कुंजी पटल की कुंजी परंपरागत टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, तो यह है एंटर जो है टाइपराइटरों में उपलब्ध नहीं है, ठीक है। 79 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है, WWW, HTTP, ईमेल, ये सभी सही होगा, क्या होगा, उपरोक्त सभी सही है, ठीक है, ये शब्द जो है इंटरनेट कार्य प्रणाली से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला है 80 नंबर सवाल, 80 नंबर सवाल है कि किस रक्त वर्ग के व्यक्ति सर्वदाता कहलाते हैं, तो ओ रक्त के व्यक्ति जो है ये सर्वदाता कहलाते हैं, यानी कि सभी को रक्त दे सकते हैं। और एक होता है सर्वग्राही, जो होता है ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, ये सिर्फ रक्त ले सकता है, रक्त दे नहीं सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 81 नंबर सवाल है कि तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है, तो तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से फिर से उगाने के लिए ये गन्ना का कटाई किया जाता है, किसका, तो गन्ना का, ठीक है दोस्तों। और कपास की खेती का सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो कपास की खेती सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होती है। और किस मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है, तो काली मिट्टी में, किस मिट्टी में, काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती किया जाता है, और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ विस्तार है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। और काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, रेगुर मिट्टी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 82 नंबर सवाल है कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है, तो एड्स का पूर्ण रूप है एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसिव सिंड्रोम, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसिव सिंड्रोम एड्स का फुल फॉर्म होता है, ठीक है। अच्छा, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को, ठीक है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब देखिए 83 नंबर सवाल कि दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है, तो दूध के फटने पर लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है दूध के फटने से। नेक्स्ट है 84 नंबर सवाल, ठीक है, 84 नंबर सवाल देखिए कि 84 नंबर सवाल है कि संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, तो संतरे जो है ये विटामिन के प्रबल स्रोत है, किसके है, विटामिन का खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था विटामिन का खोज, ठीक है। अच्छा बताइए कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है, तो वसा में घुलनशील विटामिन है ADEK, ठीक है, ADEK वसा में घुलनशील विटामिन है। और पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो B और C, ठीक है, B और C पानी में घुलनशील है और ADEK वसा में घुलनशील है। संतरे किसके प्रबल स्रोत है, विटामिन का खोज किसने किया था, तो फंक ने किया था, ठीक है। चलिए 85 नंबर सवाल है कि इनमें से कौन सा रोग मच्छरों के होने वाला रोग नहीं है, तो ये है, आपको पता होगा कि डेंगू बुखार मलेरिया और फाइलेरिया, ये तीनों जो आप देख रहे होंगे ABC, ये तीनों रोग जो है मच्छर से होने वाला है, ये घेंघा नहीं होने वाला रोग है। हमसे क्या पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, तो घेंघा जो है ये आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा रोग आपको पता होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है 86 नंबर सवाल, 86 नंबर सवाल है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत है, तो पालक के पत्ते में विटामिन ए पाया जाता है, बहुत प्रबल स्रोत है, यानी विटामिन ए। अच्छा, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, ठीक है। अगर विटामिन ई की बात करें तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टेकोफिरॉल, ठीक है, क्या नाम है, टेकोफिरॉल। इस विटामिन की कमी से बांझपन होता है, ठीक है। अच्छा, आयरन, तो एनीमिया की कमी से कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया की कमी से आयरन रोग होता है, ठीक है। एनीमिया, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग, और आयरन का संकेत होता है Fe, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 26 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट है 87 नंबर सवाल, देखिए 87 नंबर सवाल है कि दंश क्षय का कारण है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, विषाणु संक्रमण, प्रदूषित जल, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा, यानी कि दंश क्षय का कारण क्या है, तो ऑप्शन ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो देखिए
दंत क्षय का कारण क्या हो सकता है? आप ये बताइए कि दंत क्षय का कारण हो सकता है, हाँ, तो बैक्टीरिया जनित संक्रमण, ठीक है, यानी कि दंत क्षय का कारण है, यानी कि दांत गिरने का कारण क्या है? बैक्टीरिया जनित संक्रमण, यानी कि आपके दांतों में अगर बैक्टीरिया लग जाएगा तो आपका दांत गिरना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर सवाल। 88 नंबर सवाल है कि एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? तो एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन जो है ये टिटनेस के रोकथाम के लिए दिया जाता है। किसके रोकथाम के लिए? यानी कि टिटनेस के रोकथाम के लिए एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, 89 नंबर सवाल देखते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध, तो क्या थे? ये भौतिक शास्त्री थे। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन जो है ये प्रसिद्ध एक भौतिक शास्त्री थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए, और अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही E=mc² दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 90 नंबर सवाल, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। ठीक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अच्छा, थॉमस अल्वा एडिसन का आविष्कार किस क्या किए थे? तो ये किया था बल्ब का आविष्कार किया था। ठीक है, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो थॉमस अल्वा एडिसन ने। ठीक है, और दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 91 नंबर सवाल कि भाप के इंजन का आविष्कार किया गया तो जेम्स वॉट के द्वारा। ठीक है, जेम्स वॉट के द्वारा भाप इंजन का आविष्कार किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 92 नंबर सवाल। 92 नंबर सवाल है कि संक्षिप्त रूप PSLV का कार्य क्या है? तो पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है ये PSLV का पूर्ण रूप है, पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, चलिए 93 नंबर सवाल देखते हैं। 93 नंबर सवाल है कि जब किसी माध्यम का ताप बढ़ता है तो उस माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। अच्छा, ये बताइए कि जब किसी माध्यम में ताप अगर बढ़ जाएगा तो प्रकाश का वेग क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो अपरिवर्तित ही रहेगा, यानी कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अच्छा पूछेगा कि प्रकाश का वेग क्या होता है? तो प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यानी कि निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए 94 नंबर सवाल देखते हैं। तो 94 नंबर सवाल है कि मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए हानिकारक है, यानी कि जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। क्या होता है? अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, और नाइट्रस ऑक्साइड को ही हंसाने वाली गैस बोलती है। क्या बोलती है? हंसाने वाली गैस। ठीक है, एक होता है आंसू गैस जिसका रासायनिक सूत्र होता है CCl3NO2। ठीक है, क्या होता है? CCl3NO2, ये होता है आंसू गैस का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 95 नंबर सवाल कि निम्न में से किसमें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है? तो ये होता है सौर लालटेन में। ठीक है, सौर लालटेन में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे 96 नंबर सवाल कि निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापन करते हैं? तो आमीटर से। ठीक है, आमीटर से विद्युत धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? विद्युत धारा का मापन आमीटर से। अच्छा, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट 97 नंबर सवाल, तो 97 नंबर सवाल जो है ये डायनमो के बारे में बता रहा था। आपको पता होगा डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी कि डायनमो वह यंत्र है जो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, कुछ और सवाल बच रहे हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 98 नंबर सवाल जो है, ठीक है, 98 सवाल है, गैल्वनीकृत यानी कि गैल्वनाइज्ड लौह चादरों पर निम्न की परत चढ़ी होती है? तो जस्ता की, यानी कि जिंक का। ठीक है, ZN। ठीक है, इसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो 30 होता है, यानी कि गैल्वनीकृत लौह चादरों पर जिंक चढ़ा होता है। क्या चढ़ा होता है? जस्ता, यानी कि जिंक। जिंक का ZN होता है इसका संकेत, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है। ठीक है, सीसा की बात करें तो PB होता है इसका संकेत, और इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 82 होता है। क्रोमियम का संकेत क्या होता है? CR। ठीक है, और टीन का संकेत क्या होता है? SN होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला 99 नंबर सवाल है कि पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ क्या है? तो हीरा। ठीक है, हीरा जो है पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ है, हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 2.42 हीरा का अपवर्तनांक होता है। ठीक है, सोना का संकेत अगर आपसे पूछे तो AU सोना का संकेत होता है, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 78 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, अगला 100 नंबर सवाल देख लीजिए, आज का लास्ट सवाल 100 नंबर सवाल। ठीक है,
नेक्स्ट है कि वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो है ये सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का सामान्य नाम है, ठीक है। वॉशिंग सोडा को क्या बोलते हैं? धोवन सोडा। एक होता है खाने वाला सोडा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र? तो होता है NaHCO3। और सोडियम कार्बोनेट का होता है Na2CO3 10H2O। क्या होता है? 10H2O, Na2CO3 10H2O। और सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का NH3CO3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे समझ गए होंगे वॉशिंग सोडा किसका सामान्य नाम है, तो सोडियम कार्बोनेट का। और वॉशिंग सोडा के धोवन सोडा बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। तो दोस्तों ये सीरीज आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कॉमेंट करके बताइए और मोटिवेट कीजिए आगे वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।